हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ होचुआ सीरीज मोहमाया का सीजन 1 और 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है कोलकाता की अरुणा सरकार की फैमिली से। आज दिवाली का दिन है और अरुणा अपने कामों में बिजी है। अरुणा के दो बच्चे हैं, बड़ा बेटा नीमो और छोटा बेटा मिकी। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है मीठी। मिकी 2 दिन बाद फॉरेन पढ़ने के लिए जाने वाला है, इसलिए उसकी गर्लफ्रेंड वैशाली भी वहां पर आई थी। लेकिन अरुणा को वैशाली का घर में आना पसंद नहीं आता। एक्चुअली अरुणा का जो बड़ा बेटा है नीमो, उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन नीमो उसे भी पसंद नहीं करती, जिसकी वजह से नीमो घर कम ही आता जाता है। अरुणा के पति का नाम सुरंजन है और वो अरुणा को समझाते हैं कि वो वैशाली के साथ रूडली बिहेव ना करे, वो अपने बच्चों को भी समझे। लेकिन अरुणा बहुत ही पॉजिटिव मदर थी। मिकी वैशाली से कहता है कि उसके जाने के बाद घर वालों का ख्याल रखे। वैशाली भी उसे वादा करती है कि वो घर वालों का ध्यान रखेगी। जब डिनर के बाद मिकी अरुणा का फेसबुक अकाउंट चेक कर रहा था तो उसे ऋषि नाम के एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। एक्चुअली ऋषि मिकी का चाइल्डहुड फ्रेंड था, लेकिन मिकी इस बात से शॉक था कि ऋषि ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी और उसकी माँ को भेजी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसने इस लड़के को कहीं देखा है। बाद में उसे याद आता है दुर्गा पूजा के वक्त जब वो साड़ी परचेस करने गई थी तो उस साड़ी की शॉप में उसने ऋषि को देखा था। ऋषि साड़ियां डिजाइन करता था और उसी की डिजाइन की हुई साड़ी अरुणा को बहुत पसंद आई थी। अगले दिन मिकी सबको बताता है कि कल रात ऋषि का उसे मैसेज आया था। उसे कोलकाता में रहने के लिए एक रूम चाहिए और मिकी ने अपने घर में की एक रूम उसे ऑफर की है। ऋषि यहाँ पर एज ए पेइंग गेस्ट रहेगा तो घर वालों को मिकी की ज्यादा याद भी नहीं आएगी। घर वाले भी इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि ऋषि मिकी का बचपन का दोस्त था। भाई दूज मनाने के बाद मिकी कनाडा के लिए चला जाता है। मिकी के जाने पर वहां पर ऋषि आता है। ऋषि जब अरुणा को देखता है तो उसे अरुणा में अपनी मरी हुई माँ माया दिखाई देने लगती है। ऋषि अरुणा को अपनी माँ की ज्वेलरी देता है जो उसने अपनी माँ के लिए बनाई थी। यहाँ पर ऋषि का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअली ऋषि का असली नाम बबन है। वो जब छोटा था तो उसके पापा उसकी माँ के साथ बहुत ही बुरी तरह से बर्ताव किया करते थे। उन्होंने माया को बांध कर रखा था और उसके सामने ही वो किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहे थे और दिखा रहे थे कि किस तरह इंटीमेट हुआ जाता है। वो उसे कहते हैं कि वो एक जानवर है और उनके साथ रहना है तो माया को भी वैसा ही बनना पड़ेगा। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। जब मीठी ऋषि को देखती है तो उसे ऋषि बहुत पसंद आता है। वो उससे बात करने के लिए उसके रूम में जाती है और गलती से मीठी से उसकी माँ की फोटो फ्रेम टूट जाती है। अब ऋषि को अपनी माँ उसके आसपास ही दिखाई देने लगती है। वो जब अरुणा के पास जाता है तो उसे फिर से अरुणा में अपनी माँ दिखाई देती है और अरुणा के पति सुरंजन में उसे अपना वो खड़ूस बाप दिखाई देने लगता है। ऋषि गार्डन में जाकर माया से बात करने लगता है। सुरंजन जब देखता है तो ऋषि अकेला ही बड़बड़ रहा था। इससे सुरंजन को ऋषि पर थोड़ा डाउट होता है कि ऋषि अच्छा लड़का नहीं है। सुरंजन ऑफिस आकर अरुणा को कॉल करता है। वो उसे ऋषि के बारे में बताना चाहता था लेकिन अरुणा अपने कामों में बिजी थी, जिसकी वजह से वो सुरंजन से ज्यादा बात नहीं करती। कॉल कट करने पर वहां पर ऋषि आता है और अरुणा को बताने लगता है कि वो अपनी माँ माया से बात करता है। जब भी वो अकेला फील करता है उसे अपनी माँ दिखाई देने लगती है और वो उनसे अपने दिल की बात करता है। अरुणा को ये सुनकर काफी अच्छा लगता है कि ऋषि अपनी माँ से इतना ज्यादा प्यार करता है। ऋषि अरुणा से उसकी पुरानी साड़ीज लेता है जिसे डिजाइन करके वो फिर से नया जैसा बनाने वाला था। रात को जब सुरंजन वापस आता है तो वो अरुणा को ऋषि के बारे में बताने लगता है कि वो गार्डन में बैठकर अकेला ही बड़बड़ रहा था। अरुणा सुरंजन को बताती है कि ऋषि ने उसे पहले ही बताया था कि वो अपनी माँ से बात करता है, इसलिए सुरंजन कुछ और ऋषि के बारे में ना सोचे। ऋषि भी छुप कर उनकी सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन जब अरुणा किचन में काम कर रही थी तो उनके घर की बिल्ली उसे बहुत सता रही थी। वो हमेशा अरुणा को तंग करती है, उसके रास्ते के बीच बीच में आती रहती है। ऋषि को जब पता चलता है कि ये बिल्ली अरुणा को तंग करती है तो वो उस बिल्ली को ही मार देता है। अगले दिन सुरंजन को बिल्ली की लाश कचरे के डब्बे में मिलती है। सुरंजन आकर अरुणा को बताता है कि बिल्ली को किसी ने मार दिया है, लेकिन अरुणा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उसे लगता है कि शायद एक्सीडेंट हुआ होगा। ऋषि अरुणा को उसकी साड़ीज देता है जो उसने रात भर जाकर डिजाइन की थी। अरुणा को भी वो साड़ीज बहुत पसंद आती है
और वो उसे पहनकर दिखाती है। ऋषि देखता है जो ज्वेलरी उसने अरुणा को दी थी वो ज्वेलरी मीठी ने पहनी है। ये देखकर ऋषि को काफी गुस्सा आता है। तो वही मीठी भी अरुणा पर काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि अरुणा मीठी को डांटती है जब वो ऋषि के रूम में जाती है। मीठी अरुणा से कहती है कि जब से ऋषि आया है वो बस उसकी खातिरदारी में ही लगी है। वो कभी भी मीठी या उसके पापा की तरफ ध्यान ही नहीं देती। वो उसे तो डांटती है लेकिन हमेशा खुद ऋषि के रूम में रहती है। अरुणा को ये सुनकर काफी बुरा लगता है और वो मीठी को डांटने लगती है कि तुम्हारी जैसी बेटी होने से अच्छा ना हो, तुम मर क्यों नहीं जाती। ऐसा कह के गुस्से से वो अपने कामों में लग जाती है। ऋषि भी ये सारी बातें सुन रहा था और उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी कि तुम मर ही क्यों नहीं जाती। जिसके बाद वो स्टेज पर घुंघरू फैला देता है और मीठी को आवाज लगाता है। मीठी जब उसके पास आ रही थी तो सीढ़ियों से उसका पैर फिसल जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से चोट लगती है। सब लोग मिलकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मीठी की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। अरुणा काफी ज्यादा रो रही थी तो वही सुरंजन समझ नहीं पा रहा था कि मीठी गिर कैसे गई। सुरंजन को ऋषि पर ही डाउट था लेकिन माया को लग रहा था कि उसने अपनी बेटी को बददुआ दी थी जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई, इसलिए वो अपने आप को कसूरवार ठहरा रही थी। सुरंजन अरुणा को समझा रहा था कि ऋषि ने ही मिट्टी को धक्का दिया होगा, लेकिन ऋषि कहता है कि उसने मिट्टी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तभी उसे एक फ्लैशबैक याद आता है जब ऋषि ने इसी तरह से बचपन में अपने टीचर को भी धक्का देकर मार दिया था क्योंकि टीचर उसकी माँ से मिलना चाहती थी और उसकी माँ की कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए ऋषि ने उन्हें धक्का दे दिया और वो गिर कर मर गई। डॉक्टर बताते हैं कि मिट्टी को काफी ज्यादा चोट लगी है लेकिन वो जिंदा है और उसे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना होगा। जिसके बाद सुरंजन, अरुणा और ऋषि घर वापस आ जाते हैं। सुरंजन ऋषि को घर से जाने के लिए कहता है। ऋषि भी जा रहा था लेकिन अरुणा उसे रोकती है। अरुणा सुरंजन से कहती है कि अगर ऋषि ना होता तो वो मिट्टी को हॉस्पिटल लेकर कैसे जाती। वो ऋषि से कहती है कि अगर वो इस घर को छोड़कर गया तो वो उसका मरा हुआ मुंह देखेगा। जिसके बाद ऋषि घर छोड़कर जाने का डिसीजन कैंसिल करता है। वो सुरंजन से कहता है कि अब फिर से वो भी ना कहे कि ऋषि को घर छोड़कर जाना चाहिए क्योंकि वो अरुणा को मरा हुआ नहीं देख सकता। अगले दिन ऋषि अरुणा को नहाते हुए गलती से देख लेता है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सब कुछ दिख रहा था। उसकी माँ माया उसे कहती है कि वो भी अपने पापा जैसा है, हर औरत को बुरी नजर से ही देखता है। ऋषि इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। अगले दिन वैशाली घर वालों से मिलने आती है। उसे मिट्टी के एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। सुरंजन उसे सब कुछ बताता है जिस पर वैशाली कहती है कि उन्हें ये सब कुछ मिकी को बताना होगा, आखिर ऋषि मिकी का ही तो फ्रेंड है। वैशाली कहती है कि उन्हें ऋषि को ऐसे ही घर में नहीं रखना चाहिए था, उसके डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए थे और थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद उसे घर में लेना चाहिए था, लेकिन सुरंजन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वैशाली सुरंजन से कहती है कि वो ऋषि से उसका डॉक्यूमेंट मांगे और सुरंजन भी वैसा ही करता है। ऋषि भी चुप कर उनकी सारी बातें सुन रहा था। माया ऋषि से कहती है कि यह लड़की उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेगी, इससे ऋषि थोड़ा टेंशन में आ जाता है। अगले दिन मिट्टी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है। मिट्टी की जान तो बच गई थी लेकिन उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, ना ही वो अपने हाथ हिला सकती थी ना ही पैर। ऋषि अरुणा से कहता है कि वो मिट्टी को लेकर उसके बगल वाले रूम में शिफ्ट हो जाए ताकि दोनों मिलकर मिट्टी का ध्यान रख सकते हैं। सुरंजन नहीं चाहता कि अरुणा ऋषि के बगल वाले रूम में जाकर रहने लगे, लेकिन अरुणा उसकी बात नहीं सुनती और वो बाजू वाले रूम में शिफ्ट हो जाती है। सुरंजन ऋषि से आईडी मांगता है तो ऋषि कहता है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स नागपुर में उसके मामा के पास है, उसके मामा जल्दी उसे मिलने के लिए आने वाले हैं, तब वो आते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएंगे और आने के बाद ऋषि सुरंजन को दिखा देगा। और सुरंजन के पास इंतजार करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। ऋषि मिट्टी के पास जाता है और उसे ताने देने लगता है। वो मिट्टी से कहता है कि उसकी ऐसी हालत की वजह से ही अरुणा उसके बाजू वाले रूम में रहने लगी है। मिट्टी ऋषि को देखकर काफी डर जाती है और वो आवाज करने लगती है। अरुणा वहां पर आती है तो ऋषि उसे बहुत प्यार से बात करने लगता है। वैशाली फिर से उनके घर आती है और वो सुरंजन से ऋषि के डॉक्यूमेंट के बारे में पूछने लगती है। सुरंजन उसे वही बताता है जो ऋषि ने बताया था, लेकिन वैशाली को ऋषि पर पूरी तरह से डाउट था, इसलिए वो मौका देखकर ऋषि के रूम में जाकर सब कुछ चेक करने लगती है। वो ऋषि का मोबाइल देखती है
तो उसमें कोई भी सिम कार्ड नहीं था। अगर मोबाइल में सिम कार्ड ही नहीं है तो ऋषि ने मामा को कॉल कैसे किया था? वो और तलाशी लेती है तो वहां पर ऋषि के माँ के बाल उसे मिलते हैं। ये देखकर वैशाली समझ जाती है कि ऋषि कुछ अलग टाइप का ही लड़का है। वो ये सब बातें सुरंजन को बताना चाहती थी, लेकिन तभी अरुणा को पता चलता है कि वैशाली घर में आई है। वो वैशाली को वैसे ही पसंद नहीं करती थी और उसे ये पता चलता है कि वैशाली ऋषि के रूम में थी। इसे देखकर तो अरुणा और ज्यादा गुस्सा होती है और वैशाली को वापस कभी इस घर में आने के लिए मना कर देती है। जाते हुए वैशाली सुरंजन को इशारा करती है कि वो बाद में उसे कॉल करेगी, लेकिन सुरंजन उसे नहीं समझ पाता। लेकिन ऋषि अच्छे से समझ जाता है कि वैशाली अब क्या करने वाली है। ऋषि अरुणा से कहता है कि वो घर का सारा काम संभाल लेगा, अरुणा को बस मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सुरंजन जब सुनता है तो वो अरुणा पर गुस्सा होने लगता है। वो अरुणा से कहता है कि वो ऋषि पर इतना ज्यादा विश्वास क्यों करती है, क्या उसे अपने पति पर भरोसा नहीं है? लेकिन अरुणा कहती है कि अपने पति के भरोसे ही तो वो मिट्टी को छोड़कर गई थी। लेकिन सुरंजन वैशाली के साथ ऋषि के इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ था, इसलिए अरुणा सुरंजन पर गुस्सा होती है। कुछ टाइम बाद ऋषि अरुणा के पास जाता है। अरुणा कहती है कि वो वैशाली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, अगर वो इस घर में बहू बनकर आएगी तो पता नहीं घर का क्या करेगी, इसलिए वो चाहती है कि वैशाली कभी भी फिर से इस घर में ना आए। ऋषि जब ये सुनता है तो वो अरुणा से कहता है कि वो चिंता ना करे, अब वैशाली कभी भी इस घर में नहीं आएगी। मौका देकर ऋषि सुरंजन के मोबाइल से वैशाली को मैसेज करता है और उसे एक रेस्टोरेंट के पीछे मिलने के लिए बुलाता है। वो मैसेज में ये भी लिखता है कि फिर से कोई मैसेज या कॉल ना करे, क्योंकि अगर अरुणा को पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी, इसलिए वैशाली भी बात मानकर फिर से कोई मैसेज या कॉल नहीं करती, जिसके बाद ऋषि उन मैसेजेस को डिलीट कर देता है। सुरंजन को भी वैशाली से बात करनी थी, इसलिए वो उसे मिलने के लिए जाने वाला था। लेकिन ऋषि अरुणा से कहता है कि वो आज रात मूवी देखने के लिए जाने वाला है, इसलिए अरुणा कहती है कि सुरंजन को रात को यही रुकना होगा और ऋषि मूवी देखने के लिए जाता है। एक्चुअली ऋषि वहां पर वैशाली को मिलने के लिए गया था। सुरंजन को वहां ना देखकर वैशाली वापस जाने वाली थी, तभी वहां पर ऋषि आता है। ऋषि वैशाली को घसीटते हुए एक जगह ले जाता है जहां पर मूर्तियां बनाई जाती थी। वो वैशाली के बाल काटने लगता है क्योंकि वैशाली ने उसकी माँ के बाल इधर उधर कर दिए थे। वो वैशाली के बाल काटता है और उसी के मुंह में डालने लगता है। वहां पर एक रॉड पड़ा था जिससे ऋषि वैशाली को मार देता है और उसके होठों को सी देता है ताकि वो किसी को कुछ ना बता सके, जिसके बाद वो वैशाली को उन मूर्तियों में ही छुपा देता है ताकि किसी को पता ना चले कि ये किसी की लाश है। जिसके बाद ऋषि घर वापस आता है तो वही सुरंजन काफी टेंशन में था क्योंकि वैशाली का ना ही मैसेज आया था ना ही कॉल। वो बार बार उसे कॉल कर रहा था लेकिन वैशाली का कॉल स्विच ऑफ आ रहा था। सुरंजन को वैशाली की चिंता हो रही थी क्योंकि कल रात से उसका मोबाइल बंद आ रहा था और कल रात से ही ऋषि भी घर पर नहीं था। सुरंजन इस बारे में अरुणा से बात करता है तो अरुणा कहती है कि सुरंजन को वैशाली की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और रही बात ऋषि की तो ऋषि बहुत अच्छा लड़का है। उसी रात को अरुणा का बड़ा बेटा नीमो घर वापस आता है। अरुणा उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। अगले दिन नीमो और ऋषि की मुलाकात होती है और नीमो को ऋषि पसंद नहीं आता। नीमो अपने मम्मी पापा से अकेले में कुछ बात करना चाहता था, इसलिए वो ऋषि को बाहर जाने के लिए कहता है। ऋषि को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जिसके बाद हम ऋषि का फ्लैशबैक देखते हैं। एक्चुअली ऋषि के पापा उसकी माँ के साथ बिल्कुल भी अच्छा बिहेव नहीं करते थे। एक दिन उसके पापा उसकी माँ को छोड़कर चले गए। उसकी माँ बहुत गिड़गिड़ाती है कि वो कहीं ना जाए, लेकिन उनके पापा उसे छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद माया सुसाइड करने का सोचती है। वो बार बार ऐसा कुछ ट्राई कर रही थी लेकिन ऋषि उसे रोकता है। माया ऐसा कुछ ना करे इसलिए ऋषि उसे बांध कर रखा किया करता था। एक दिन माया ऋषि से कहती है कि उसे बहुत भूख लगी है। ऋषि किसी तरह से कुछ खाना बनाकर ले आता है, तब तक माया ने अपनी नस काट ली थी। ऋषि को लगता है लेकिन उसकी माँ अभी भी जिंदा है, इसलिए वो वहीं पर रहने लगता है। कुछ टाइम बीत जाता है और उसके मामा मामी वहां पर आते हैं। ऋषि को लग रहा था कि उसकी माँ अभी भी जिंदा है और वो अपनी माँ की लाश के साथ ही रह रहा था। उसके मामा ऋषि को अपने साथ अपने गाँव लेकर जाते हैं। ऋषि की मामी बहुत खुश थी क्योंकि उसे माया की सारी ज्वेलरी मिल गई थी। ऋषि जब ये बात सुनता है तो वो मामी को भी मार देता है, लेकिन मामा की नौकरानी को
ऋषि पर ही शक था, लेकिन पुलिस वाले नौकरानी पर डाउट लेते हैं और उसे ही अरेस्ट कर लिया जाता है। अब मामा और ऋषि अकेले रहने लगे थे, लेकिन ऋषि को ऐसा ही लगता कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। उसके मामा उसे समझाते हैं कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन ऋषि इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है, जब नीमो अपनी मम्मी पापा से बात कर रहा था। नीमो अरुणा को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड त्रिशा से शादी करना चाहता है। अरुणा पहले ही त्रिशा को पसंद नहीं करती थी और नीमो उससे शादी करना चाहता था। नीमो कहता है कि त्रिशा प्रेग्नेंट है और अब उसे शादी करनी होगी, लेकिन अरुणा उसे कहती है कि अगर उसने त्रिशा से शादी की तो वो उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। ये कहकर वो गुस्से से वहां से चली जाती है। नीमो इसे काफी ज्यादा टेंशन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। त्रिशा का उसे कॉल आता है और वो उसे डांटती है कि उसे जल्द से जल्द वापस आना होगा। एक्चुअली त्रिशा इनसिक्योर फील कर रही थी क्योंकि वो जानती है कि अरुणा उसे पसंद नहीं करेगी, इसलिए त्रिशा नीमो से कहती है कि वो जल्द से जल्द वापस आ जाए, अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वो अपनी जान दे देगी। इससे नीमो काफी ज्यादा परेशान था कि वो क्या करे। तो वही ऋषि ने ये बात सुन ली थी कि अगर नीमो ने त्रिशा से शादी की तो अरुणा खुदकुशी कर लेगी। नीमो काफी टेंशन में था क्योंकि वो माँ और गर्लफ्रेंड के बीच में फंस गया था। इसी टेंशन में वो काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और आकर सो जाता है। ऋषि इसी बात का फायदा उठाता है और नीमो जब नशे में था तो वो उसकी कलाई काट देता है। ऋषि उसकी नस इस तरह से काटता है कि वो एक सुसाइड लगे। अगले दिन जब सुरंजन नीमो के रूम में जाता है तो नीमो मर चुका था। सुरंजन अरुणा को बुलाता है और उसे डांटने लगता है कि उसकी वजह से उनके बेटे ने सुसाइड कर ली। क्या होता अगर अरुणा त्रिशा को एक्सेप्ट कर लेती। वो अरुणा से कहता है, अरुणा हमेशा खुद के बारे में ही सोचती है, उसने कभी भी नहीं सोचा कि उसके बेटे क्या चाहते हैं। नीमो बस त्रिशा से शादी करना चाहता था तो इसमें क्या गलत था। पहले उसने त्रिशा के साथ ऐसा किया और फिर वैशाली के साथ। कितने दिन हो गए वैशाली का कुछ भी पता नहीं है, लेकिन अरुणा को एक बार भी उसकी चिंता नहीं हुई। सुरंजन अरुणा को बहुत डांटता है और अरुणा नीमो की लाश देखकर पागल सी हो गई थी। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि नीमो अब मर चुका है। सुरंजन अब ऋषि से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि जब से वो आया है उनके घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। इसलिए सुरंजन डिसाइड करता है कि अब वो इस घर को छोड़कर ही चला जाएगा। सुरंजन अरुणा से कहता है कि जब भी कोई अरुणा के मर्जी के खिलाफ कोई काम करता है तो अरुणा सबको यही धमकी देती है कि वो उसका मरा हुआ मुंह देखेगी। सुरंजन कहता है कि अगर अरुणा ने अब उसे रोका तो वो सुरंजन का मरा हुआ मुंह देखेगी। ये कहकर सुरंजन अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के घर चला जाता है। जब सुरंजन जा रहा था तो अरुणा उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही थी। तब ऋषि को याद आता है कि उसकी माँ भी उसके पापा को किस तरह जाने से रोक रही थी। वो अरुणा को संभालता है और उसे बेड पर सुलाता है, लेकिन अरुणा कहती है कि अगर उसका बेटा मर चुका है तो वो भी जिंदा नहीं रहना चाहती, उसे भी अपने नीमो के पास जाना है। ऋषि उसे तसल्ली दिलाता है कि नीमो अभी जिंदा है और वो जल्दी वापस लौट कर आएगा। वो अरुणा को नहलाता है, तभी वहां पर सुरंजन आया था। वो कोई चीज भूल गया था जिसे लेने के लिए वो घर पर आया था, लेकिन जब वो देखता है कि ऋषि अरुणा को नहला रहा है वो और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अरुणा जब सुरंजन को देखती है तो वो उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि वो मिट्टी को लेकर वापस आ जाए, लेकिन सुरंजन उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। जिसके बाद ऋषि सुरंजन के पीछे जाता है और उसकी बहन के घर में जाकर सुरंजन को मार देता है। ऋषि घर वापस आ जाता है और उसने अरुणा को बांध कर रखा था क्योंकि उसे डर था कि अरुणा भी माया की तरह सुसाइड ना कर ले। लेकिन अरुणा की जबान पर सिर्फ नीमो का ही नाम था। जिसके बाद ऋषि नीमो के कपड़े पहनता है और अरुणा के सामने आ जाता है। अरुणा को ऐसा ही लग रहा था कि नीमो लौट आया है। ऋषि अरुणा को स्लीपिंग पिल्स देता है और उसे सुला देता है। तभी वहां पर उसे माया दिखने लगती है जो कहती है कि वो कितना भी ट्राई कर ले वो नीमो नहीं बन पाएगा। लेकिन ऋषि अब चाहता है कि माया उसे नजर ना आए क्योंकि उसे एक असली माँ चाहिए और एक असली माँ का प्यार चाहिए, माया की तरह नहीं जो सिर्फ ऋषि के दिमाग में है। जिसके बाद माया वहां से गायब हो जाती है। ऋषि अरुणा के पास ही बैठा था तभी वहां पर मिकी आता है। मिकी कनाडा से लौट आया था। तभी हम देखते हैं जहां पर वैशाली की लाश थी वहां पर बहुत बदबू आने लगती है। जब लोग वहां पर चेक करते हैं तो वहां पर वैशाली की लाश थी। तो वही मिट्टी की हालत
वैसी की वैसी थी। सुरंजन की मौत हो गई है और अब मिकी वापस आ गया है। अब ऋषि मिकी के साथ क्या करेगा यह हमें अगले सीजन में पता चल जाएगा। सीजन 3 का अभी तक नहीं आया है और ना ही उसकी कोई न्यूज आई है, लेकिन जब भी आएगा मैं सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।